हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको वेज फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। फ्रेंड्स, वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बासमती राइस, जिसे मैंने 2 घंटे पानी में भिगो लिया था, 1 प्याज लंबा लंबा कटा हुआ, थोड़ा सा हरा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़े से खड़े मसाले जिसमें 5-6 लौंग, 10-12 साबुत काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज पत्ता है, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 5-6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार और ऑयल। फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। देखिए, लहसुन फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये लंबा लंबा कटा हुआ प्याज और इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस पे अब हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये सारी कटी हुई सब्जियाँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सब्जियों को 3 मिनट सौते किया है और हमारी सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं। ये अच्छी क्रंची लग रही हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक और ये बारीक कटा हुआ हरा प्याज और इसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हम एक और पैन लेंगे और उस पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, और इसमें डालेंगे खड़े मसाले और इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे इस तरह से। मसाले भुन गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल जिनका पानी निकाल दिया है। अब इन चावलों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि चावल के हर दाने पर ऑयल लग जाए। ये देखिए चावल हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और चावल के हर दाने पर ऑयल लग गया है। देखिए सारे चावल के दाने ऑयल से कोट हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक और काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। जितने चावल लेंगे उससे डबल पानी डालना है। हमने 1 कप चावल लिए थे, इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे और इसे
अच्छे से बॉयल होने देंगे। जब एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हम आंच को धीमी करके चावलों को ढक देंगे और लगभग इन्हें 10 मिनट पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे चावल पक चुके हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन चावलों में मिक्स करेंगे कटे की हुई सारी सब्जियां। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारे फ्राइड राइस सर्व करने के लिए तैयार हैं। इन्हें सर्व करने के लिए अब हम एक सर्विंग प्लेट में डालेंगे। फ्रेंड्स, ये तैयार फ्राइड राइस को मैंने सर्व करने के लिए एक प्लेट में डाल दिया है। आप भी इसे बनाइए। ये बहुत ही हेल्दी फ्राइड राइस है। आप इसमें अपनी मनपसंद और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। आप इसे मंचूरियन के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ, दही के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।